विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के तत्वाधान में विभिन्न मांगों को लेकर गुरुवार को अनिश्चितकालीन धरना मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर में शुरू हुआ। धरने की अध्यक्षता जोन के अध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिपाठी ने किया। चार सूत्री मांगों में मुख्य मांग क्षेत्र में निविदा के माध्यम से कार्य कर रहे राजस्व कंप्यूटर ऑपरेटर, मीटर रीडर, परिचालन और अनुरक्षण के वेतन का भुगतान न होना, पोर्टल पर नाम न दर्ज होना जिसमें मजदूरों का शोषण हो रहा है, वेतन का भुगतान कराते हुए समस्त कार्यवाही निविदाकारों द्वारा कराया जाए और कार्य करने वाले मजदूरों का ईपीएफ, ईएसआई, बीमा इत्यादि बाह्य प्रदाताओं द्वारा नहीं कराए जा रहे हैं, जबकि कारपोरेशन स्तर पर बार बार निर्देश भी हो रहे हैं। क्षेत्र के समस्त कर्मचारियों के जीपीएफ और सीपीएफ का लेखा पर्ची काफ़ी दिनों से लंबित है, उसे दिलाया जाए। इस दौरान धरने में सत्येंद्र मौर्य, इस्माइल खान, बीएन यादव, अरुण कुमार गुप्ता, नीरज सैनी, संदीप कुमार श्रीवास्तव, राम अवतार, अश्वनी पांडे, महेंद्र साहनी, दिलीप गौतम सहित विभिन्न विद्युत केंद्रों के राजस्व कंप्यूटर ऑपरेटर, परिचालन और अनुरक्षण मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जोन के अध्यक्ष धीरेन्द्र त्रिपाठी ने कहा, धीरेन्द्र त्रिपाठी जोन के अध्यक्ष हैं। जो मांग है गोरखपुर पूरे क्षेत्र में, जो बिजली विभाग में निविदा के माध्यम से मजदूर काम कर रहे हैं, चाहे वो बिजली घरों पर काम कर रहे हैं, लाइन मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं, विद्युत राजस्व वसूली का काम कर रहे हैं, मीटर रीडर का काम कर रहे हैं, सारे लोगों के मांगों को लेकर के ये आज विद्युत मजदूर पंचायत ने एक महीने पहले नोटिस दिया है कि इन मजदूरों के समस्याओं को आप निदान करिए, लेकिन मुख्य अभियंता को मजदूरों के समस्याओं के लिए फुर्सत नहीं है। वो कहते हैं करे मजदूर काम करेंगे, मरेंगे जिएंगे, इस तरह की भाषा अच्छी नहीं है। और ये जो नोटिस हम लोगों ने दिया है इसमें पांच सूत्री मांग है। पहला मांग ये है कि ये जो मजदूर काम कर रहे हैं इनका नाम पोर्टल पर दर्ज हो, जो पावर कॉर्पोरेशन का निर्देश है, ईएपीएफ, ईएसआई, बीमा सबके कागज़ दिए जाएं, परिचय पत्र दिए जाएं। दूसरा ये है कि जो हमारे क्षेत्र में जो रेगुलर के कर्मचारी हैं, सातवें वेतन का एरियर आज तक नहीं बना है, अधिशासी अभियंता जहाँ के चाहे वहाँ बना लेकिन नहीं बन पाया। बाकी जो जीपीएफ सीपीएफ का लेखा पर्ची है यहाँ उप मुख्य लेखाधिकारी कार्यालय से प्राप्त होता है, वो भी आज तक नहीं भुगतान हुआ। ये विद्युत मजदूर पंचायत बार बार ये आंदोलन की नोटिस देता है जिसकी वजह से समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर के हम आज 13 तारीख से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर आंदोलित हैं। हम लोग जब तक समस्याओं का उचित निराकरण नहीं हो जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा।